लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। आम चुनाव की तरह ही इंडिया सूबे में एमवीए के तहत चुनाव लड़ेगा। महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख दल अगले हफ्ते एक बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। हालांकि सूत्रों की माने तो एमवीए में तीनों पार्टियां 96-96 सीटों यानी कि बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बताया ये जा रहा है कि एमवीए चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं करेगा। मुख्यमंत्री पद का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद तीनों दलों की तरफ से जीती गई सीटों की संख्या को देखकर किया जाएगा। इसे एक रणनीति के तौर पर अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष बार बार ये कह रहा था कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है, लेकिन हमारे पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक आश्वस्त करने वाला चेहरा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने बार बार पूछा कि विपक्ष का दूल्हा कौन है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने चुप्पी साधे रखी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, जिसका इंडिया को फायदा भी हुआ। लोकसभा में गठबंधन को अच्छी सफलता मिली। अब विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न विपक्ष दोहराना चाहता है। गौरतलब है कि महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें जबकि शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। तुलनात्मक रूप से देखें तो विपक्ष ने 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, जिसे सत्तारूढ़ महायुति के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।